रहमान रहीम, शोएब साहब, हनीफ साहब, रज़ाक परदेसी साहब, मेरे खुसूसी बच्चे और बच्चियां और उनके वालदैन, इसातज़ा, अस्सलाम अलैकुम। आज यहां आके आप शायद सब ये कहेंगे कि आपके सामने मैं बात कर रही हूं, मगर मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है कि रेहान बंदूकदार ने मेरे ख़्याल बड़ी देर से मुझे यहाँ लेकर आए, और उसमें मुझे आके बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतना अच्छा काम हो रहा है। और मैं शुरू करने से पहले तकरीर आपसे कहूँ, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, वो भी आपसे डिस्कस कर लूँगी, कि मुझे जो जो आप पॉइंट्स के इन्होंने तकरीर में कहे वो मुझे पॉइंट्स लिख के दें, ताकि मैं अब टीवी पे जा रही हूँ तो मुझे वो मैं पॉइंट्स लोगों को बताऊँ कि देखो ये प्रॉब्लम्स हैं। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हम जो निकले हैं वो सिर्फ अवेयरनेस के लिए निकले हैं कि अवेयरनेस दें ताकि माँ बाप और इन लोगों को पता हो। आप कह रहे थे ना कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो, और मुझे भी मालूम है कि वो अगर विद इन ईयर, दो साल, तीन साल में हो जाएं तो बच्चे अपने बिल्कुल सही हो जाते हैं, तो हमें ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, लोगों को मालूम नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी, मुझे इस आज की इस तकरीब में दावत देकर और स्पेशल चिल्ड्रन से मिलने का मौका दिया, और इतने खूबसूरत बच्चे, और इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक रिहैबिलिटेशन एंड इंक्लूजन को अप्रिशिएट करना चाहूँगी। इसमें मैं आपसे बीच बीच में अपना जो आपने करा उसको कहती जाऊँगी कि खुसूसी बच्चों की रिहैबिलिटेशन के लिए आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच बिहेवियर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इनके लिए। मगर साथ में मैं ये आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, बहुत अहम है, कि हमें वेकेशन सेंटर, आप इनकी थेरेपी और सब बहुत ज़रूरी है, मगर उसके साथ और पढ़ाई, एजुकेशन, यहाँ पे स्कूल भी छोटा सा कर लीजिए कि बच्चे स्कूल अलग नहीं हो, इंक्लूसिव। हम जो हमने और प्रेसिडेंट ने शुरू किया वो सबसे पहले ये था कि हर एजुकेशन इंक्लूसिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे बेहतर जहन में होंगे और पढ़ सकते हैं। अब इसके लिए कोटा सिस्टम जॉब्स का है, मगर अब मैं ये एक और चीज़ लेके चल रही हूँ कि स्कूलों में इनकी सीट्स होना चाहिए, हर स्कूल में स्पेशल बच्चों के लिए सीट्स होना चाहिए, ताकि वो हमारे आम बच्चों के साथ पढ़ें, उनको ये फीलिंग नहीं हो कि हमें अलग क्यों किया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके साथ 600 के करीब खुसूसी अफराद रजिस्टर्ड हैं। बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप ब्लाइंड स्टूडेंट्स को तालीम और डेली लाइफ स्किल्स भी सिखा रहे हैं, इस पर भी बहुत मस्त खुशी हुई। मगर मैंने अभी रेहान बंदूकदार से ये बात कही कि ब्लाइंड बचपन से उनको वाइट केन की आदत डालें, और मैं आप जो माशाल्लाह मेमन बरादरी बैठी है, मेमन बरादरी तो मेरा ख़्याल बहुत ही अच्छा काम करती है, मेरा ख़्याल अगर पाकिस्तान कराची जैसा शहर में इतने मेमन हैं, और अगर ख़राबी ना होती तो ये तो इस शहर को मेरा ख़्याल बहुत ही हीरा बना देते, और इतना काम कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी बहुत असल में मैं खुद मेमन नहीं हूँ, मगर मेरे दो दामाद मेमन हैं, तो समझिए मैं आधी मेमन हूँ, और मैंने मेमन के साथ बहुत काम किया है, अमीना गनी के साथ बहुत काम किया है, तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत आप लोगों के बहुत ही अच्छा काम होता है। मुझे खुशी है कि आपने खुसूसी अफराद के हुकूक़ और इनकी सहूलियात के लिए हमारी अवेयरनेस कैंपेन के साथ दे रहे हैं। आज की इस तकरीब को ऑर्गेनाइज़ किया है, ऐसे इवेंट और ऐसी कैंपेन इसलिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ खुसूसी अफराद के हुकूक़ के हवाले से ज़्यादा बिल्कुल कहीं अवेयरनेस नहीं है, और इसी पर हम काम करेंगे। आप लोग माशाल्लाह फ़ंड रेजिंग और चैरिटी और सब करते रहते हैं। दो दिन पहले मैं चैम्बर ऑफ फेडरेशन से मिली, वो उसमें एक नाम भूल गई, दो चार साहब ने कहा कि आप बताएं, हम खड़े हैं, हम पैसे देंगे, हम चैरिटी करें, वो अगर अच्छा काम कर रहे हो और सही जगह पहुंच रहा हो तो मेरा ख्याल कोई वो नहीं है कि पैसे ना मिलें आपको। लोग आगे बढ़ बढ़ के पैसे देते हैं और अल्लाह और देता है, और मेरा ख्याल उसमें बहुत बरकत होती है। और जैसे मैं जब जाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि मैंने कभी पैसे कमाए नहीं, नौकरी नहीं करी, तो मगर ये काम करके जितनी खुशी होती है शायद कमा के शायद ना होती होगी, तो ज़रूर अल्लाह बरकत देगा।
ڈفرینٹلی ایبل پرسن کو اپنی زندگی میں مختلف رکاوٹیں اور مشکلات کے علاوہ بعض اوقات منفی رویے کا سامنا ہے، جو بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ لوگ ایسے الفاظ سے ان کو کرتے ہیں۔ میں نے کل بھی ذکر کیا کہ وہ ہم نے دو سال پہلے، میں کام اس میں تین چار سال سے کر رہی ہوں، جب سے وہاں گئی ہوں میں اور پریزیڈنٹ مل کے کر رہے ہیں کہ ہمیں انکلوسیونیس، ان کو اپنے ساتھ کریں، اویئرنیس دیں اور اس پہ کام کریں کہ ان کو ہر چیز میں ہم شامل کریں۔ ہم نے پریزیڈنسی میں ویل چیئرز دیں، تو دو بچے تھے جو بیک سے ہوتے ہیں، تو ان سے ہم نے پوچھا آپ کو اسکول جا کے کیا پرابلم ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں کبڑا اور کبڑی کہتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، مگر یہ میں بچوں کو نہیں کہوں گی، میں ماں باپ اور بڑوں کو کہوں گی کہ ایسے الفاظ کو روکیں۔ ہاں، آپ ایسی تربیت دو کہ ایسے بچے نہیں ہوں، بچوں کو نہیں کہا جائے۔ دو چار دن پہلے میں کراچی میں تھی، وہاں ایک بہت اچھے اسکول کی ایک میری دوست نے بتایا کہ وہاں بچی جو تھی اس کے ہاتھ میں کچھ پرابلم تھا، تو ٹیچر نے کہا، وہاں کانسرٹ ہو رہا تھا اور ڈانس وغیرہ کا کوئی پروگرام تھا، اسے کہا، ٹیچر نے کہا بچی سے کہا کہ نہیں، آپ نہیں ڈانس میں آؤ گی کیونکہ آپ کا ہاتھ صحیح نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، بچے نے نہیں، پڑھی لکھی ٹیچر نے اس کو ڈسکریج کیا، بلکہ اس کے لیے کوئی چیز کریٹ کرنی چاہیے تھی کہ وہ بچی کرتی۔ تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایسے ایسے الفاظ سے ان کو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ صحت، تعلیم، روزگار سمیت بنیادی سہولیات سے محروم رہ جاتے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم نے ان کو گھروں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، ہم نکالتے ہی نہیں، کیوں نہیں نکالتے؟ دیکھیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو گودی میں لے کے چلے جاتے، مگر جب بڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں نہ ریمپس ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں۔ آپ گاڑیاں، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی کہ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ویل چیئر اندر چلی جاتی ہیں۔ میں نے جب شروع کوئی 2014-16 میں، میں چھوٹا موٹا شروع سے والنٹیئر چیریٹی کا کام کرتی رہی، تو ایک آرکیٹیکٹ اور بچی تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کہیں ریکویسٹ کریے کہ لوگ جو ویل چیئر چلی جاتی ہیں ویسی گاڑیاں ہونا چاہیے۔ میں نے ایک جو بڑی اچھی کمپنی ہے اس کی، اس سے کہا، انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ مجھے اس قدر افسوس ہوا کہ پڑھی لکھی لڑکی بیچاری گھر میں بیٹھی ہے، کیونکہ وہ جا نہیں سکتی، اس کا میاں گھر میں نہیں ہو تو وہ کوئی گاڑی میں بیٹھا نہیں سکتا۔ تو ایسی بہت سارے کام ہیں جو ہم سب کو مل کے کرنا ہے۔ انہیں سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی شامل نہیں کیا جاتا، انہیں جابس بھی نہیں دی جاتی۔ جابس کے حساب سے میں آپ سے کہوں کہ کل ہی میں ناؤ پی ڈی پی ہے، جو امین ہاشوانی صاحب بہت سالوں سے چلا رہے ہیں، کل میں گئی تھی، ان کی گریجویشن تھی۔ انہوں نے آل اوور پاکستان، میرا خیال میں ایگزیکٹ نمبر نہیں مجھے معلوم، یا 600 یا 2500 کہہ رہے تھے، 5-6 زیادہ تھے، اور انہوں نے اسی کی ٹریننگ دی، ان کی گریجویشن تھی، اور وہاں پہ ہر چیز کی وہ ٹریننگ دے رہے ہیں۔ بلائنڈ بچے ہیں، ٹیلی فون آپریٹر اور کمپیوٹر کی، ہر ڈفرینٹ طرح سے، اور ان کو پھر جابز بھی کراتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں ہمیں ان کو، دیکھیں، زکوٰۃ خیرات دیں، ضرور دیں، مگر مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ ان کو سب سے پہلے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم کیوں ان کو آبادی، ان کو کیوں ہم کریں؟ یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ پاکستان میں ڈفرینٹلی ایبل پیپل کے حوالے سے درست ڈیٹا نہیں پایا جاتا، نہیں ہے، مگر اب یہ پتہ چلا ہے کہ 10% سے زیادہ، اکارڈنگ ٹو WHO 14-18 ہیں، مگر جو ہم نے اب کری ہے کہ اس میں اولڈ ایج بھی آ جاتی ہے، سب کچھ، 10% سے زیادہ ہے۔ تو بتائیے اتنی پاپولیشن میں کیا حال ہے اور ہم کہاں ہیں؟ ان کی 10% زیادہ، ہم نے اپنی آبادی کے اتنے بڑے حصے، اتنے بڑے جو ایک 10% ہیں، ان کو اگنور کرتے ہیں، نہ وہ جابز میں ہمارا ساتھ کام دیتے کر سکتے ہیں، اور اگر آئیں تو دیکھیے کتنی ملک میں کتنی آسانیاں ہوں گی۔ پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی پالیسیز کو پروموٹ کریں جن کی وجہ سے پاکستان میں انکلوسیوٹی بڑھے۔ پاکستان کے تمام لوگ، خواہ ان کا تعلق کوئی بھی ریلیجن سے ہو، کوئی بھی جینڈر ہو، ہمیں ان سب سے کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے، ہم سب کو ایک طرح سے دیکھنا چاہیے۔ ڈفرینٹلی ایبل پیپل کو اکنامک ایکٹیویٹیز میں شامل کریں، بہت ضروری ہے۔ خصوصی افراد کو سوسائٹی میں ایکسیپٹنس کو بڑھایا جائے۔ اصل میں یہ ہمارا، دیکھیے، رولز، بلز اور یہ ساری چیزیں بہت ساری ہیں، مگر ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے، ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ اور میں رحمان الرحیم، شعیب صاحب، حنیف صاحب، رضا پردیسی صاحب،
मेरे खुसूसी बच्चे और बच्चियाँ और उनके वालदैन इसातज़ा, अस्सलाम अलैकुम। आज यहाँ आके आप शायद सब ये कहेंगे कि आपके सामने मैं बात कर रही हूँ, मगर मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है कि रेहान बंदूकदार ने मेरे ख्याल बड़ी देर से मुझे यहाँ लेकर आए, और उसमें मुझे आके बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतना अच्छा काम हो रहा है। और मैं शुरू करने से पहले तकरीर आपसे कहूँ, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, वो भी आपसे डिस्कस कर लूँगी कि मुझे जो जो आप पॉइंट्स के इन्होंने तकरीर में कहे वो मुझे पॉइंट्स लिख के दें, ताकि मैं अब टीवी पे जा रही हूँ तो मुझे वो मैं पॉइंट्स लोगों को बताऊँ कि देखो ये प्रॉब्लम्स हैं। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हम जो निकले हैं वो सिर्फ अवेयरनेस के लिए निकले हैं कि अवेयरनेस दें ताकि माँ बाप और इन लोगों को पता हो। आप कह रहे थे ना कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो, और मुझे भी मालूम है कि वो अगर विद इन ईयर 2 साल 3 साल में हो जाएं तो बच्चे अपने बिल्कुल सही हो जाते हैं, तो हमें ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, लोगों को मालूम नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी, मुझे इस आज की इस तकरीब में दावत देकर और स्पेशल चिल्ड्रन से मिलने का मौका दिया, और इतने खूबसूरत बच्चे, और इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक रिहेबिलेशन एंड इंक्लूजन को अप्रिशिएट करना चाहूँगी। इसमें मैं आपसे बीच बीच में अपना जो आपने करा उसको कहती जाऊंगी कि खुसूसी बच्चों की रिहेबिलिटेशन के लिए आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच बिहेवियर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इनके लिए। मगर साथ में मैं ये आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, बहुत अहम है कि हमें वेकेशन सेंटर, आप इनकी थेरेपी और सब बहुत ज़रूरी है, मगर उसके साथ और पढ़ाई एजुकेशन, यहाँ पे स्कूल भी छोटा सा कर लीजिए कि बच्चे स्कूल अलग नहीं हो, इंक्लूसिव। हम जो हमने और प्रेसिडेंट ने शुरू किया वो सबसे पहले ये था कि हर एजुकेशन इंक्लूसिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे बेहतर जहन में होंगे और पढ़ सकते हैं। अब इसके लिए कोटा सिस्टम जॉब्स का है, मगर अब मैं ये एक और चीज़ लेके चल रही हूँ कि स्कूलों में इनकी सीट्स होना चाहिए, हर स्कूल में स्पेशल बच्चों के लिए सीट्स होना चाहिए, ताकि वो हमारे आम बच्चों के साथ पढ़ें, उनको ये फीलिंग नहीं हो कि हमें अलग क्यों किया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके साथ 600 के करीब खुसूसी अफराद रजिस्टर्ड हैं, बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप ब्लाइंड स्टूडेंट्स को तालीम और डेली लाइफ स्किल्स भी सिखा रहे हैं, इस पर भी बहुत खुशी हुई। मगर मैंने अभी रेहान बंदूकदार से ये बात कही कि ब्लाइंड बचपन से उनको वाइट केन की आदत डालें, और मैं आप जो माशाल्लाह मेमन बरादरी बैठी है, मेमन बरादरी तो मेरा ख्याल बहुत ही अच्छा काम करती है, मेरा ख्याल लगा कराची जैसा शहर में इतने मेमन हैं, और अगर ख़राबी ना होती तो ये तो इस शहर को मेरे ख्याल बहुत ही हीरा बना देते, और इतना काम कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी बहुत असल में मैं खुद मेमन नहीं हूँ, मगर मेरे दो दामाद मेमन हैं, तो समझिए मैं आधी मेमन हूँ, और मैंने मेमन के साथ बहुत काम किया है, अमीना गनी के साथ बहुत काम किया है, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत आप लोगों के बहुत ही अच्छा काम होता है। मुझे खुशी है कि आपने खुसूसी अफराद के हुकूक और इनकी सहूलियात के लिए हमारी अवेयरनेस कैंपेन के साथ दे रहे हैं। आज की इस तकरीब को ऑर्गेनाइज़ किया है, ऐसे इवेंट और ऐसी कैंपेन इसलिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ खुसूसी अफराद के हुकूक के हवाले से ज़्यादा बिल्कुल कहीं अवेयरनेस नहीं है, और इसी पे हम काम करेंगे। आप लोग माशाल्लाह फ़ंड रेजिंग और चैरिटी और सब करते रहते हैं। 2 दिन पहले मैं चैम्बर ऑफ फेडरेशन से मिली, वो उसमें एक नाम भूल गई, 2-4 साहब ने कहा कि आप बताएं, हम खड़े हैं, हम पैसे देंगे, हम चैरिटी करें। वो अगर अच्छा काम कर रहे हो और सही जगह पहुंच रहा हो तो मेरा ख्याल कोई वो नहीं है कि पैसे ना मिलें आपको। लोग आगे बढ़ बढ़ के पैसे देते हैं और अल्लाह और देता है, और मेरा ख्याल उसमें बहुत बरकत होती है। और जैसे मैं जब जाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि मैंने कभी पैसे कमाए नहीं, नौकरी नहीं करी, तो मगर ये काम करके जितनी खुशी होती है शायद कमा के शायद ना होती होगी, तो ज़रूर अल्लाह बरकत देगा। डिफरेंटली एबल पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ रुकावटें और मुश्किलात के अलावा बाज़ औक़ात मनफी रवैये का सामना है, जो बहुत ही
अफसोस होता है कि लोग ऐसे अल्फाज से उनको करते हैं। मैंने कल भी जिक्र किया कि वो हमने दो साल पहले, मैं काम इसमें 3-4 साल से कर रही हूँ, जब से वहाँ गई हूँ, मैं और प्रेसिडेंट मिलके कर रहे हैं कि हमें इंक्लूसिवनेस, इनको अपने साथ करें, अवेयरनेस दें और इस पे काम करें कि इनको हर चीज़ में हम शामिल करें। हमने प्रेसिडेंसी में व्हील चेयर्स दी, तो दो बच्चे थे जो बैग से होते हैं, तो उनसे हमने पूछा आपको स्कूल जाके क्या प्रॉब्लम होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें कुबड़ा और कुबड़ी कहते हैं। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। मगर ये मैं बच्चों को नहीं कहूँगी, मैं माँ बाप और बड़ों को कहूँगी कि ऐसे अल्फाज को रोकें। हाँ, आप ऐसी तरबियत दो कि ऐसे बच्चे नहीं हो, बच्चों को नहीं कहा जाए। 2-4 दिन पहले मैं कराची में थी, वहाँ एक बहुत अच्छे स्कूल की एक मेरी दोस्त ने बताया कि वहाँ बच्ची जो थी उसके हाथ में कुछ प्रॉब्लम था, तो टीचर ने कहा, वहाँ कॉन्सर्ट हो रहा था और डांस वगैरह का कोई प्रोग्राम था, उसे कहा, टीचर ने कहा, बच्ची से कहा कि नहीं, आप नहीं डांस में आओगी क्योंकि आपका हाथ सही नहीं। कितने अफसोस की बात है, बच्चे ने नहीं, पढ़ी लिखी टीचर ने उसको डिस्करेज किया, बल्कि उसके लिए कोई चीज़ क्रिएट करनी चाहिए थी कि वो बच्ची करती। तो बहुत ही अफसोस होता है कि हम लोग ऐसे ऐसे अल्फाज से उनको करते हैं, जिसकी वजह से वो सेहत, तालीम, रोज़गार समेत बुनियादी सहूलियात से महरूम रह जाते। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने उनको घरों में बंद करके रखा हुआ है, हम निकालते ही नहीं। क्यों नहीं निकालते? देखिए, बच्चे छोटे होते हैं, उनको गोदी में लेके चले जाते, मगर जब बड़े हो जाते हैं, हमारे यहाँ ना रैम्प्स हैं, कोई चीज़ नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। आप गाड़ियाँ दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई कि गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि व्हील चेयर अंदर चली जाती है। मैंने जब शुरू को 2014-16 में मैं छोटा मोटा शुरू से वॉलंटियर चैरिटी का काम करती रही, तो एक आर्किटेक्ट और बच्ची थी, उसने मुझसे कहा कि आप कहीं रिक्वेस्ट करिए कि लोग जो व्हील चेयर चली जाती हैं वैसी गाड़ियाँ होना चाहिए। मैंने एक जो बड़ी अच्छी कंपनी है इसकी, उससे कहा, उन्होंने कोई अहमियत नहीं दी। मुझे इस कदर अफसोस हुआ कि पढ़ी लिखी लड़की बेचारी घर में बैठी है, क्योंकि वो जा नहीं सकती, उसका मियाँ घर में नहीं हो तो कोई गाड़ी में बैठा नहीं सकता। तो ऐसी बहुत सारे काम हैं जो हम सबको मिलकर करना है। उन्हें सोशल एक्टिविटीज़ में भी शामिल नहीं किया जाता, उन्हें जॉब्स भी नहीं दी जाती। जॉब्स के हिसाब से मैं आपसे कहूँ कि कल ही मैं नाउ PDP है, जो अमीन हाशवानी साहब बहुत सालों से चला रहे, कल मैं गई थी, उनकी ग्रेजुएशन थी। उन्होंने ऑल ओवर पाकिस्तान, मेरा ख्याल, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं मुझे मालूम, या 600 या 2500 कह रहे थे, 5-6 ज़्यादा थे, और उन्होंने इसी की ट्रेनिंग दी, उनकी ग्रेजुएशन थी, और वहाँ पे हर चीज़ की वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। ब्लाइंड बच्चे हैं, टेलीफोन ऑपरेटर और कंप्यूटर की हर डिफरेंट तरह से, और उनको फिर जॉब्स भी कराते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें उनको, देखिए, ज़कात खैरात दें, ज़रूर दें, मगर मुझे ये अफसोस होता है कि उनको सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। हम क्यों उनको आबादी, उनको क्यों हम करें? ये एक अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में डिफरेंटली एबल पीपल के हवाले से दुरुस्त डेटा नहीं पाया जाता, नहीं है, मगर अब ये पता चला है कि 10% से ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू WHO 14 से 18 है, मगर जो हमने अब करी है कि उसमें ओल्ड एज भी आ जाती है, सब कुछ, 10% से ज़्यादा है। तो बताइए इतनी पॉपुलेशन में क्या हाल है और हम कहाँ हैं? इनकी 10% ज़्यादा, हमने अपनी आबादी के इतने बड़े हिस्से, इतने बड़े जो एक 10% हैं, उनको इग्नोर करते हैं, ना वो जॉब्स में हमारा साथ काम देते कर सकते हैं, और अगर आएँ तो देखिए कितनी मुल्क में कितनी आसानियाँ होंगी। पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी पॉलिसीज़ को प्रमोट करें जिनकी वजह से पाकिस्तान में इंक्लूसिविटी बढ़े। पाकिस्तान के तमाम लोग, ख्वाह इनका ताल्लुक कोई भी रिलीजन से हो, कोई भी जेंडर हो, हमें इन सब से कोई वो नहीं होना चाहिए, हम सबको एक तरह से देखना चाहिए। डिफरेंटली एबल पीपल को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल करें, बहुत ज़रूरी है। खुसूसी अफराद को सोसाइटी में एक्सेप्टेंस को बढ़ाया जाए। असल में ये हमारा, देखिए, रूल्स, बिल्स और ये सारी चीज़ें बहुत सारी हैं, मगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। और मैं ये काम कर रहा है रौनक स्कूल, रौनक इस्लाम स्कूल की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ। और मैडम, थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा, इस वक्त हम 600 से ज़ायद स्पेशल बच्चों की मावनत कर रहे हैं।
इसकी डिटेल जो है मैं शोएब भाई से कहूँगा कि सारी डिटेल दें। इसके अलावा इस वक्त कराची के अंदर कोई 50-55 हमारे हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, 150 से ज़ायद हमारे तालीमी इदारे चल रहे हैं, 22-23 के करीब हमारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मेमन बिरादरी का एक इम्तियाज़ रहा है हमेशा से कि मेमन बिरादरी जहाँ पर भी बसती है वहाँ सबसे पहले स्कूल, मदरसे, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, दवाखाने, ये एक हमारे खून में शामिल है ये चीज़। आज ये और रौनक इस्लाम स्कूल के चंद पीठ न्यूरोलॉजिस्ट में से एक हैं। मैंने की थी जो उन्होंने पैगाम दिया था, सो आई टुक अ लॉट ऑफ जो जितना खूबसूरती से उन्होंने बताया था। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं, थोड़ा सा आप लोगों को जो डिसेबिलिटी है जिसको हम डिफरेंटली एबल्ड बच्चे कहते हैं, अब बच्चे जो हैं ये डिसेबल्ड नहीं हैं, बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं। जैसे आपने देखा अभी तिलावत करते हुए नात में आपने देखा कितनी इनमें सलाहियत है, ये सब डिफरेंटली एबल्ड हैं, ये हमसे ज़्यादा काबिल हैं, ये किसी से कम नहीं है। डिसेबल्ड फिर क्यों है, फिर ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे क्यों कहा जाता है? डिसेबिलिटी हमारे लिए कि हम इनको एडजस्ट नहीं कर पाते, तो हम डिसेबल्ड हैं, ये डिफरेंटली एबल्ड हैं। सो मेरा हमेशा से यही है कि जब डिसेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाता है तो इसके तीन डिफरेंट बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, मेडिकल मॉडल। शहजाद भाई, डॉक्टर अमन तो हैं, रियाज साहब हमारे ये छुपे हुए हीरो हैं, कोने पे बैठे हुए हैं, वो नज़र नहीं आते। मैं कहता हूँ कि ये डायरेक्टर हैं हमारा, हम फिल्म के एक्टर हैं, हम जो ये कहते हैं हम इसके साथ चलते हैं, वो नज़र नहीं आते। तो इन बच्चों के लिए जब हमने काम शुरू किया तो बहुत से घरों में हम पहुँचे, सबसे पहले तो रिश्तेदारों के घरों में, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इनका इलाज है। अच्छा, सबसे बड़ी ख़राबी क्या है? सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि डॉक्टर्स के पास बच्चे जाते हैं वो कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। जो सबसे बड़ी बुराई कह लें, सबसे बड़ी ख़राबी कह लें, जिसकी वजह से ये वो बच्चे हैं जो आराम से कुछ बेहतरी पा सकते हैं, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी का जो मसला डॉक्टर साहब ने बताया, ये वो बच्चे हैं जो बर्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से पैदा होते हैं। खुसूसी बच्चे भी उनसे बेपनाह प्यार करते हैं। आज हमारी खुशनसीबी है कि खातून अव्वल पाकिस्तान आज के इस इवेंट में हमारे दरमियान बाहैसियत मेहमान खुसूसी तशरीफ़ फरमा है और हमें ये मौका फरहम किया कि हम खुसूसी बच्चों की एक्टिविटीज़ आपको दिखा सकें। तो मैं दरख्वास्त करूँगी फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान मिसेस समीना आरिफ अलवी साहिबा से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आप बिग राउंड ऑफ अप्लॉज मिसेस समीना आरिफ अलवी साहिबा।